And joining me now is someone who knows Nitish Kumar better than ever. He was his deputy chief minister for more than a decade. I'm joined by Sushil Modi, Rajya Sabha MP of the BJP. Sushil Modi, how do you see Nitish Kumar deserting the BJP and now joining hands once again with the RJD in a Mahagathbandhan? Kis tarah se aap dekhte hain? Kyunki aap to Nitish Kumar ko badi achhi tarah se itne saalon se dekhte hain. देखिए, इतने साल तक साथ रहने के बाद भी नीतीश कुमार को समझना बड़ा कठिन काम है और ये हम लोगों को दूर दूर तक इस बात की उम्मीद नहीं थी कि वो गठबंधन को तोड़ देंगे. देखिए, बीजेपी ने उनको 5 बार मुख्यमंत्री बनाया, 1 बार नहीं 5 बार. जब उनके पार्टी के लोग उनको मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाने का विरोध कर रहे थे, उस समय मैं, प्रमोद महाजन, अरुण जेटली ने उनको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया. और जब हमारी सीट, उनकी सीट केवल 35-36 थी, हम 67 थे, तब उनको मुख्यमंत्री बनाया 2000 में. और इस बार भी जो हम लोगों ने उनको मुख्यमंत्री बनाया, क्योंकि हमारा कमिटमेंट था, हमने कोई एहसान नहीं किया, हमने चूंकि हमारा कमिटमेंट था. और देखिए, नीतीश जी की पॉपुलरिटी दिन पर दिन कम होती जा रही है, जिसको स्ट्रांग एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं. हम लोग के सारी रिपोर्ट में था कि उनकी अलोकप्रियता बढ़ती जा रही है, लेकिन हमारे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं था. हमने उनके साथ गठबंधन किया और अगर नरेंद्र मोदी ने अगर एग्रेसिव कैंपेन नहीं किया होता तो जनता दल यू की सीट तो घटकर 25 पर पहुंच जाती और बीजेपी 50 पर पहुंच जाती. हम लोग जब मैदान में गए तो देखा इतना गुस्सा लोगों के मन में नीतीश कुमार के प्रति. तो ये मैंडेट नरेंद्र मोदी को मैंडेट मिला था और जो अति पिछड़ा समाज, उसने नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट किया और आपने उसके साथ धोखा दे दिया. तो 17 साल पुराना जिनका संबंध था और आप जिस सुशील मोदी जी, आप नहीं, सुशील मोदी जी, आप बार बार शब्द यूज कर रहे हैं धोखा. उनका कहना है, नीतीश कुमार और उनके समर्थकों का कहना है कि बीजेपी उनको और उनके पार्टी को लगातार कमजोर करने में लगी थी. जो महाराष्ट्र में आपने शिवसेना के साथ किया, वही आप जेडीयू और नीतीश कुमार के साथ करने जा रहे थे. तो ये इन अ सेंस नहले पे दैला था. उन्होंने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक किया क्योंकि वो, उनका कहना है कि आप वही करना चाहते थे उनसे जो आपने महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के साथ किया. राजीव जी, आप बताइए, उद्धव ठाकरे हमारे सहयोगी दल थे क्या? अभी जो एकनाथ शिंदे जो अलग हुए तो शिवसेना तो वहां रूलिंग पार्टी थी, हम तो ऑपोजिशन में थे. वो तो कोई हमारे आज सहयोगी दल नहीं थे. वो तो उन्होंने धोखा देकर सरकार उन्होंने बना लिया, तो उसकी तुलना क्या हो सकती है? दूसरी बात ये कि अगर जनता दल को हम तोड़ भी देते तो सरकार कैसे बनती? हमारे तो केवल 76 MLA थे, हमको 46 चाहिए था, तो ये तो सरकार ही नहीं बन सकती थी. और दूसरी बात जो ये कह रहे हैं कि हम लोग को हराने का काम किया चुनाव में, तो 19 महीने के बाद उनको मालूम पड़ रहा है. अभी मैं ललन सिंह जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था कि 2020 के चुनाव में बीजेपी ने साजिश के तहत हराने का काम किया, तो ये 19 महीने के बाद उनको पता चला कि हराने का काम कर रहे हैं. और अगर नरेंद्र मोदी नहीं जाते चुनाव में तो 25 पर पहुंच जाते. और नीतीश जी को यह अंदाजी नहीं है कि धीरे धीरे कितनी स्ट्रांग एंटी इनकम्बेंसी का वो मुकाबला कर रहे हैं, ये उनको अंदाजी नहीं है. कोई भी सब व्यक्ति देखिए, लंबे समय तक जब सरकार में रहता है तो धीरे धीरे एंटी इनकम्बेंसी जो है, और लोग चाहते हैं नया चेहरा.